हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टू बॉक्स ऑफिस। बात करने वाले हैं 2018 इस मूवी का थर्ड जे सलेक्शन को लेकर। बात करेंगे कस्टर्ड इस मूवी का 23 जे सलेक्शन को लेकर। बात करेंगे जरा हट के जरा बच के इस मूवी का सेकंड जे कलेक्शन को लेकर। जरा हट के जरा बच के को अच्छे रिव्यू मिला और मूवी अच्छी कलेक्शन कर रहा है, जहाँ पर आप लोग जानते हैं कस्टर्ड भी अच्छी कलेक्शन कर रहा है। और 2018 तो एक ऑल टाइम बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर इंडस्ट्री हिल मलयालम फिल्म है। बात करेंगे इन तीनों कलेक्शन को लेकर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर चैनल अच्छा तो प्लीज सब्सक्राइब करना टू बॉक्स ऑफिस चैनल को। पर बात करें 2018 मूवी को लेकर, इसमें का बजट है 10 करोड़ रुपीस। लीडर में है टोबिनो थॉमस सर, सब 30 इयर्स कंप्लीट का है। 2018 एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। टोबिनो थॉमस सर ने अपने कैरियर में बहुत फिल्म किए, लेकिन 2018 जैसे बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म सर ने इससे पहले नहीं किया। मूवी आया, मूवी अच्छी कलेक्शन की और मूवी रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन मलयालम इंडस्ट्री से कर पाया। अपने 30 इयर्स में केरला सेशन के 60 लाख, आंध्र प्रदेश तेलंगाना सेशन के 80 लाख, ओवरसीज मार्केट सेशन के 60 लाख, वाला मार्केट सेशन के 3 करोड़ रुपीस, टोटल प्रोग्रेशन 155 करोड़ रुपीस। आपने अभी तक 2018 मूवी नहीं देखा, देख लेना। हमें एक्सपेक्टेशन है 2018 लाइफ टाइम में और भी अच्छी कलेक्शन कर पाएगा। अब बात करें कस्टडी को लेकर, इसमें का बजट है 40 करोड़ रुपीस। लीडर में है नागा चैतन्य सर, आप बता दूं नागा चैतन्य सर का कस्टडी, जिसके डायरेक्शन में थे वेंकट प्रभु सर। वेंकट प्रभु सर बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर है। सर के फिल्म को मिक्स रिव्यू मिला, लेकिन मूवी अच्छी कलेक्शन फैमिली जॉन्स के सपोर्ट के बजाय हमें एक्सपेक्टेशन है कस्टडी लाइफ टाइम में ब्लॉकबस्टर कलेक्शन कर सकता है, क्योंकि मिक्स रिव्यू या नेगेटिव रिव्यू कुछ भी नहीं है। अगर दर्शक फिल्म को पसंद करे तो दर्शकों ने कस्टडी को सपोर्ट किया, और कस्टडी ऑलरेडी क्लीन हिट है। 23 जर्स में आंध्र प्रदेश तेलंगाना सेशन किया 30 लैक्स, ओबर्स मार्केट सेशन किया 15 लैक्स, वॉलेट मार्केट सेशन किया 50 लैक्स, और जैसे गुस्से 35 करोड़ 25 लैक्स। आपने अभी तक कस्टडी नहीं देखा, देख लेना। हम एक्सपेक्टेशन है नागा चैतन्य सर का कस्टडी लाइफ टाइम में और भी अच्छी कलेक्शन कर पाएगा। अब बात करें जरा हट के जरा बच के को लेकर, इसमें का बजट है 35 करोड़ रुपीस। लीडर में है विक्की कौशल सर, सबसे सेकंड डे कंप्लीट का है। विक्की कौशल सर का जरा हट के जरा बच के एक अच्छी फिल्म है, और दर्शकों ने इस मूवी को सपोर्ट किया। फर्स्ट डे में यह फैमिली ड्रामा फिल्म या फैमिली इंटरटेनमेंट फिल्म अच्छी कलेक्शन किया। सेकेंड डे में मूवी ने ग्रोथ हासिल किया। फर्स्ट डे में आप लोग जानते हैं जितना दर्शक सोच रहे थे या क्रिटिक सोच रहे थे, मूवी उससे भी अच्छी और पॉपुलरिटी से रिलीज हुआ था। अपने सेकेंड डे में ऑल इंडिया ग्रॉस सेशन के 8 करोड़ रुपीज, ओवरसीज मार्केट सेशन के 2 करोड़ रुपीज, वॉलेट मार्केट सेशन के 10 करोड़ रुपीज, टोटल से ग्रोस ने 18 करोड़ रुपीज। आपने अभी तक जरा हट के जरा बच के ये फिल्म नहीं देखा, देख लेना। हम एक्सपेक्टेशन है जरा हट के जरा बच के कस्टडी और 2018 ये तीनों फिल्म और भी अच्छी कलेक्शन कर पाएगा बॉक्स ऑफिस से। धन्यवाद।